So student, as you know, we are reading our 12th chapter, Keeping Clean. सफाई रखना या स्वच्छता बनाए रखना, हमें हमारी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए, बिकॉज एक क्लीन बॉडी जो है एक हेल्दी बॉडी होती है. अगर हम हमारी बॉडी को क्लीन रखते हैं तो हम कैसे रह सकते हैं, हम हेल्दी बन सकते हैं, हम स्ट्रांग बन सकते हैं, हमें बीमारियां नहीं लगेंगी, हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे. सो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी को क्लीन रखना चाहिए. इन अवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट दिस चैप्टर एंड वी लर्न अबाउट हाउ टू केयर अवर टीथ. हम लोगों ने हमारी प्रीवियस क्लास में क्या सीखा था कि हम हमारे टीथ की कैसे केयर कर सकते हैं, उनको कैसे अच्छा बना के रख सकते हैं, कैसे हमारे टीथ को क्लीन कर सकते हैं. सो कैसे हम हमारे टीथ को क्लीन कर सकते हैं, दिन में 2 times ब्रश करके. क्या कर सकते हैं हम, दिन में 2 times ब्रश करेंगे मॉर्निंग में एंड नाइट में. सोने से पहले हम अपने टीथ को अगर ब्रश करते हैं तो हमारे टीथ जो हैं वो क्लीन रहेंगे, कैविटी फ्री रहेंगे, हमारे टीथ में कैविटीज़ नहीं लगेंगी. प्लस अगर हम हर साल में 2 times यानी कि हर 6 months में अगर हम साल में 2 times डेंटिस्ट से मिलते हैं, उनको हमारे टीथ को चेकअप करवाते हैं, तो फिर हमारे टीथ जो है वो भी तब भी स्ट्रांग बनेंगे. एंड हमारे ब्रश को हमें क्या करना चाहिए, हर 3 months में चेंज करना चाहिए. जो टूथब्रश हम यूज़ करते हैं उसको हर 3 months में हमें चेंज करते रहना चाहिए. ये सभी बातें हमने कब सीखी थी, हमारी प्रीवियस क्लास में. आज हम और नई क्लीनिंग हैबिट्स के बारे में यहाँ बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी क्लीनिंग हैबिट्स जो है उन्हें अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में एक्सेप्ट करना चाहिए, अपनाना चाहिए, जिससे हम हेल्दी रहें, स्ट्रांग रहें. सो लेट स्टार्ट. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बाथिंग. बाथिंग मीन्स नहाना. बाथिंग मीन्स नहाना. वी शुड टेक बाथ एवरी डे. वी शुड टेक बाथ एवरी डे. हमें रोजाना नहाना चाहिए. सो हमें रोजाना क्या करना चाहिए, हमें रोजाना नहाना चाहिए. चूज अ गुड सॉप ऑफ योर चॉइस टू क्लीन योर बॉडी. Choose a good soap of your choice to clean your body. अपनी चॉइस का एक अच्छा सा साबुन आपको चूज़ करना चाहिए to clean your body, जिससे आप अपनी बॉडी को क्लीन करें. आपको क्या करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए. और कैसे नहाना चाहिए, अपनी पसंद का एक अच्छा सा साबुन जो आपकी स्किन के लिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा हो, ऐसा साबुन चूज़ करना चाहिए जो आपको पसंद हो, और उससे डेली नहाना चाहिए, अपनी बॉडी को क्लीन करना चाहिए. आफ्टर टेकिंग बाथ वाइप द होल बॉडी विथ अ क्लीन एंड ड्राई टॉवल. आफ्टर टेकिंग बाथ वाइप द होल बॉडी विथ अ क्लीन एंड ड्राई टॉवल. और नहाने के बाद क्या करना चाहिए, वाइप करना चाहिए, पोछना चाहिए, पैड ड्राई करना चाहिए अपनी बॉडी को, होल बॉडी मतलब पूरी बॉडी को, विथ अ क्लीन एंड ड्राई टॉवल. एक क्लीन एंड ड्राई टॉवल से अपनी बॉडी को अच्छे से पोछना चाहिए. ओके, नहाने के बाद क्या करना चाहिए, अपनी बॉडी को एक क्लीन एंड ड्राई टॉवल से अच्छे से वाइप करना चाहिए, पोछना चाहिए, पैड ड्राई करना चाहिए. और याद रखिएगा, पैड ड्राई का मतलब है अपनी बॉडी को जेंटली आपको जो है टॉवल के साथ सोक करना चाहिए. ना ऐसा नहीं कि आप रिगड़ रिगड़ के ज़ोर ज़ोर से अपनी बॉडी को जो है टॉवल से ड्राई करो, वरना क्या होगा, आपकी बॉडी पर रैशेज आ सकते हैं. सो अपनी बॉडी को क्या करना चाहिए, पैड ड्राई करना चाहिए, जेंटली अपनी बॉडी को वाइप करना चाहिए टॉवल से. Use oil for your hair and comb them. Use oil for your hair and comb them. Use क्या करना चाहिए, oil use करना चाहिए. Hair oil जो हम use करते हैं अपने hairs के लिए, हमारे हमें अपने hairs में क्या करना चाहिए, oil लगाना चाहिए. And comb them और उन्हें कंघा करना चाहिए. जब हम नहा के निकलते हैं तो अपने hairs को अच्छे से dry करिए. ड्राई करने के बाद अपने हेयर्स में थोड़ा सा ऑयल लीजिए और अपने हेयर्स में अच्छे से उस ऑयल को लगाइए. देन कॉम्ब योर हेयर, फिर अपने हेयर्स को कॉम्ब कीजिए. इससे क्या होगा, आपका जो लुक है वो और अच्छा लगेगा एंड आपके हेयर्स जो है वो मैनेजेबल लगेंगे, आप बहुत अच्छे दिखेंगे. कीप देम नीट एंड टाइड. कीप देम नीट एंड टाइड. और उन्हें हमेशा साफ रखना चाहिए एंड बिल्कुल
अच्छे से मैनेज करके अपने हेयर्स को रखना चाहिए। नहाने के बाद हमें क्या करना चाहिए, अपने हेयर्स को ऑयल एंड कॉम्ब करना चाहिए, यानी अपने हेयर्स में ऑयल लगाना चाहिए और कंघा करना चाहिए और अपने बालों को अच्छे से नीट एंड टाइट करना चाहिए, यानी अच्छे से उनको सेट करना चाहिए, बांधना चाहिए। ओके, सो इस तरह से आप अगर ये हैबिट्स को अपने अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो क्या होगा कि आप जो है आप लुक का जो लुक है वो भी स्मार्ट लगेगा एंड आप हेल्दी भी रहेंगे। डेली नहाएंगे तो बीमारियां नहीं लगेंगी और अपने हेयर्स को नेल्स को मैनेज करके रखेंगे तो क्या होगा, आपका जो लुक है वो भी कितना स्मार्ट दिखेगा। ओके, नाउ कीपिंग नेल्स क्लीन। कीपिंग नेल्स क्लीन, नाखूनों को साफ रखें। कीपिंग नेल्स क्लीन का मीनिंग अपने नाखूनों को साफ रखें। You should keep your nails clean. You should keep your nails clean. आपको अपने नाखूनों को साफ रखना चाहिए। क्या करना चाहिए आपको अपने नाखून को, जो अपने नेल्स होते हैं आपके, उनको एकदम क्लीन एंड साफ रखना चाहिए। When they grow, जब वो बढ़ जाए, ट्रिम एंड फाइल देम। और तो उनको क्या करना चाहिए, ट्रिम एंड फाइल करना चाहिए। ट्रिम एंड फाइल का मीनिंग उनको सही शेप देना चाहिए और सही से मैनेजेबल उसमें जो है कट करना चाहिए। पहले उनको कट करिए एंड फिर उनको शेप दीजिए, जिससे आपके जो नेल्स हैं वो अच्छे दिखें, क्लीन दिखें। ओके, बड़े बड़े नाखून हो जाते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, उनमें क्या होता है, उनमें गंदगी भर जाती है, नाखून काले काले हो जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब हमारे नाखून बढ़ जाएँ तो उनको ट्रिम एंड फाइल करना चाहिए, यानी कट करना चाहिए। ट्रिम का मतलब क्या करना है, छोटे छोटे कर देना चाहिए, देन उनको शेप करना चाहिए जिससे वो अच्छे दिखें। विथ नेल कटर, किससे करेंगे और ये काम, नेल कटर से करेंगे। और टेक हेल्प फ्रॉम द एल्डर्स, और हमें अपने बड़ों की मदद इसमें लेनी चाहिए, क्योंकि नेल कटर क्या होता है, शार्प ऑब्जेक्ट होता है। अगर आप नेल कटर से अपने नाखून को ज़्यादा डीपली कट कर लेंगे तो वो आपको उससे चोट लग सकती है, ब्लडिंग हो सकती है। इसलिए आप अपने नेल्स कट करते टाइम हमेशा अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की हेल्प लीजिएगा। ओके, सो आपको क्या करना है, व्हेन दे ग्रो, जब आपके नाखून बड़े हो जाएं, ट्रिम एंड फाइल देम, उनको ट्रिम एंड फाइल करें, यानी छोटे छोटे काटें और उनको शार्प करें, शेप दें विथ अ नेल कटर, नेल कटर के साथ। और टेक हेल्प फ्रॉम द एल्डर्स, और अपने बड़ों से मदद लें। डू नॉट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स को ना काटें। किससे ना काटें, अपने दांतों से। नेल कटर से अपने नेल्स को काटिएगा, बट कभी भी अपने दांतों से अपने नेल्स को ना काटें। बाइट करने का मतलब होता है दांतों से काटना। ओके, बाइट करने का मीनिंग क्या हुआ, दांतों से काटना। तो कभी भी अपने नेल्स को दांतों से ना काटें, क्योंकि अगर आप दांतों से काटेंगे तो उसमें जितने भी जर्म्स और गंदगी होगी वो आपके स्टमक में, आपके पेट में चली जाएगी। Dirt gets under the long nails. लंबे लंबे नेल्स में क्या होता है, गंदगी भर जाती है, गंदगी चली जाती है। Dirty nails cause several kinds of infection. Dirty nails क्या होते हैं, अलग अलग तरह के infections का reason बन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, cause बन सकते हैं। cause का meaning reason बनना, वजह बनना। ओके, तो जो अगर हमारे नेल्स डर्टी होंगे तो हमें क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे नेल्स का होते हैं हमारे हैंड्स में होते हैं, और हमारे हैंड्स का हम यूज़ करते हैं खाना खाने के लिए, फेस वॉश करने के लिए। तो अगर हमारे नेल्स गंदे होंगे तो जब हम खाना खाएंगे तो हमारे हैंड से हमारे माउथ में क्या चले जाएंगे, जर्म्स चले जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए, हमारे नेल्स को हमें हमेशा क्लीन रखना चाहिए, कट करते रहना चाहिए और उनमें गंदगी को जमा नहीं होने देना चाहिए। ओके, डेथ स्प्रेड मैनी डिजीज, और जो इन्फेक्शंस इनसे हमें हो सकता है उससे क्या होगा, बहुत सारी बीमारियां फैल सकती हैं। इसलिए क्या हमें क्या करना चाहिए, हमारे नेल्स को क्लीन रखना चाहिए। एंड इसी के साथ क्या करना चाहिए हमें, वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विथ सॉप आफ्टर प्ले।
वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली विथ सॉप आफ्टर प्ले। खेलने के बाद अपने हैंड्स को सॉप से अच्छे से प्रॉपर्ली में सही तरीके से वॉश करना चाहिए। जब आप बाहर से खेल कर आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स को सॉप एंड वाटर के साथ अच्छे से रिगड़ रिगड़ के क्लीन करना चाहिए, जिससे उसमें जितनी भी डर्ट है, डस्ट है, जर्म्स हैं, वो सब रिमूव हो जाए अपने आपके हैंड से। इसलिए आपको जब भी आप बाहर से खेल कर आएँ तो आप क्या करेंगे, अपने हैंड्स को सॉप एंड वाटर के साथ अच्छे से क्लीन करेंगे। बिफोर ईटिंग फूड एंड आफ्टर टॉयलेट, और बिफोर ईटिंग फूड और खाना खाने से पहले एंड आफ्टर टॉयलेट, और टॉयलेट जाने के बाद भी अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए। जब आप खाना खाने बैठें तो खाना खाने से पहले भी अपने हाथों को अच्छे से रिमूव, मतलब अच्छे से क्लीन करें, उसमें से सारी डस्ट को अच्छे से रिमूव करें, जिससे क्या होगा, आप जब खाना खाने बैठेंगे तो कोई भी जर्म आपके पेट में नहीं जाएगा। एंड सेकंड, जब आप टॉयलेट यूज़ करते हैं तो टॉयलेट यूज़ करने के बाद भी अपने हैंड्स को अच्छे से सॉप एंड वाटर से क्लीन करें। ओके, प्रॉपर हैंड वॉशिंग कैन स्टॉप जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। प्रॉपर हैंड वॉशिंग कैन स्टॉप जर्म्स फ्रॉम स्प्रेडिंग। और अगर हम हमारे हैंड्स को प्रॉपरली वॉश करते हैं तो अच्छे से हाथ धोने से क्या होता है, जो जर्म्स होते हैं उनको फैलने से हम रोक सकते हैं। जो बीमारी फैलाने वाले जर्म्स होते हैं हम उनको फैलने से, बढ़ने से रोक सकते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है तो सब क्या कहते हैं कि जब हम बाहर से आएँ तो अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करें और उसको सैनिटाइज करें। क्यों? क्योंकि जो कोरोना के जर्म्स हैं वो हमारे हैंड्स से हमारे घर में और हमारी बॉडी में ना आ जाएं। इसलिए तो हमें क्या करना चाहिए, अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए, ताकि हम जो है इस तरह से जर्म्स को बढ़ने से, फैलने से रोक सकें। ओके, तो इन सारी हैबिट्स को आप लोगों को भी फॉलो करना है अच्छे से, जिससे आप लोग हेल्दी रहेंगे। और जब आप लोग हेल्दी रहोगे ना तो आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो। तो इसलिए क्या करेंगे, रोज़ नहाएंगे, अपने नेल्स को कट करेंगे, अपने हेयर्स को कॉम करेंगे, ऑयलिंग करेंगे, एंड बाहर से जब आप खेल कर आएँ या खाना खाने बैठें और टॉयलेट यूज़ करें, उसके बाद क्या करेंगे, अपने हैंड्स को अच्छे से सॉप और वाटर के साथ क्लीन करेंगे, वॉश करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ अ न्यू टॉपिक। टिल देन यू कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।